हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की फिफ्थ स्पोर्ट लिस्ट आई हुई है, यानी कि ये 12th लिस्ट है ओवरऑल। और ये कल ही आया हुआ है, देख सकते हो इसकी डेट यहाँ पर। और काफी सारे ब्रांचेस में आया हुआ है, सिर्फ सिविल या किसी VLSI में नहीं, जितने भी लगभग ब्रांचेस हैं सब में आया है। और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल में समझाऊंगा कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है, जिनका अपग्रेडेशन हुआ है उनको क्या करना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है, और इतनी सारी लिस्ट क्यों आ रही है और कब तक आएगी, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है ये जो लिस्ट है वो कल आई थी 8th को। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो देख सकते हो, जहां पे आपने स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहीं पर आपको जाना है। ऑफलाइन सब कुछ होगा एडमिशन। 11th और 12th दो दिन का आपको टाइम दिया गया है, और यहाँ पर डेट है और जो टाइमिंग है सुबह 9 से 1 PM है दोनों ही दिन, इस चीज का ध्यान देना है। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले आपकी खुद की 6 फोटोज होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। उसके बाद JEE मेन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, JMI का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी है स्पोर्ट का, सारी चीजें आपके पास, फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन, स्कोर कार्ड सब होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। आपने बीच में अगर ड्रॉप लेकर कोई दूसरा कोर्स किया है या कुछ भी किया है या BSc कर लिया तो उसका नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहां पर 12th के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हो तो आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगी। थर्ड यहाँ पर है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कि एज का, जो एज है आपका उसका प्रूफ होता है। फोर्थ यहाँ पर चाहिए होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो मैं आगे बताऊंगा कहां पे बनेगा। फिफ्थ है यहाँ पर माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट कोई एक, अगर वैसे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास माइग्रेशन होता है, कुछ के पास ट्रांसफर होता है, कोई एक होगी तो चल जाएगा। सिक्स्थ है यहाँ पर आपका एड्रेस का प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड। वैसे तो काफी सारे डॉक्यूमेंट है बट आधार कार्ड लेते हैं क्योंकि वो कॉमन है। सेवन्थ पॉइंट देख सकते हो, अगर आपकी कैटेगरी है सपोज OBC ST तो यहाँ पर आपको लाना है, PWD है। 8th पॉइंट, 9th कश्मीर माइग्रेंट है, जम्मू कश्मीर, तो जो भी आपकी कैटेगरी लग रही है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद जो 11th पॉइंट है उसमें आपको पूरा फिजिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ ताकि, क्योंकि न्यू सिलेक्शंस होते हैं इस वजह से। 12th पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे, ये है अपग्रेडेशन से रिलेटेड है। आप एडमिशन करवा लेने के बाद अपग्रेडेशन पर डाल देना तो आपको बेटर जो आपने प्रिफरेंस दी होगी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें 13th पॉइंट, तो यहाँ पर है अगर आपके पास गैप आपने लिया है या ड्रॉप ले रखा था आपने JEE की तैयारी के लिए तो आपको उसका एफिडेविट चाहिए होगा, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस तो कहाँ बनेगा कैसे बनेगा सब बताऊंगा। 14th पॉइंट है यहाँ पर एंटी रैगिंग का एफिडेविट या फिर अंडरटेकिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15th यहाँ पर है आप अपनी फीस जो है वो कैश और UPI दोनों दे सकते हो, क्योंकि फीस अलग अलग है, जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है आगे बताऊंगा, रेगुलर की थोड़ी कम है, सो आप दोनों ऑप्शंस देख सकते हो। 16th पॉइंट ये है कि जब आप पूरा एडमिशन करवा लोगे तो आपको वापस से फीस देनी हो, मैं आगे आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर एक बार कट ऑफ देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ECE में भी आया हुआ है और यहाँ पर कट ऑफ जो है सिर्फ जनरल के लिए 73,000 है। जनरल जितने भी नॉन मुस्लिम है चाहे कोई भी कैटेगरी के हो वो आ जाते हैं, और इनमें सिलेक्शन तो होगा नहीं न्यू, क्योंकि यार देख सकते हो 73,000 पे ऑलरेडी किसी को कोई ब्रांच मिल ही रखी होगी, इसलिए अपग्रेडेशन हुआ है मैकेनिकल से, तो इस बात का ध्यान रखना है जिनका भी हुआ है एक बार चेक कर लो आप। उसके बाद सिविल की अगर हम बात करें तो देख सकते हो जनरल 2,56,000, वुमेन 3,55,000। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि जिसकी 2,00,000 से कम हो वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ ही मत, पर देखो आप लग देखो 355। 3 यहाँ पर देख सकते हो ये सिलेक्शन है जनरल में और 1 मुस्लिम में। अब बात करें मैकेनिकल में 1,71,000 मुस्लिम के लिए, तो जनरल और मुस्लिम में ही लास्ट तक जाता है बिल्कुल। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है ये अपग्रेड हुआ है, सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है VLSI डिजाइन, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की बात करें 2,23,000 जनरल के लिए है, यहाँ पर अपग्रेड हुआ है जनरल देख सकते हो, सिविल से अपग्रेड हुआ है, सो इस चीज का ध्यान देना है। तो बस इतनी ही लिस्ट थी एक्चुअली में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है। तो देखो यार, अगली लिस्ट आने के बहुत कम चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगली लिस्ट हाँ बिल्कुल आएगी या अगली लिस्ट बिल्कुल ही नहीं आएगी, ये बात मैंने पिछले लिस्ट में भी बोला था कि 10% या 1% चांस है अगली लिस्ट आने के। सो वही सीन है, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता, देखा कितना अनसर्टेन है, तो अगली लिस्ट आने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट अगर आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हो, अगर टाइम कम है, जैसे सपोज कहीं पे लिमिटेड टाइम है और एडमिशन दे रहे हैं तो ले सकते हो। अगर यहाँ हो जाए तो फिर आपकी मर्जी है आ जाना या नहीं आना, और अगर यहाँ पर और तो कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। दूसरी बात, अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है अगर वो एडमिशन के लिए नहीं आते इस टाइमिंग और डेट में तो आगे आपको फिर बुलाया नहीं जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगली कितनी लिस्ट आएगी, तो मैंने बता दिया अगली लिस्ट आने का काफी कम चांसेस है, 1 या 2। अब बात कर लेते हैं कि
एक बार एडमिशन का बता दूं, उसके बाद देखो सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, 12th को ना जाके 11th को जाना, ताकि कुछ रह जाए तो 12th को दे सको। मॉर्निंग में पहुंच जाना जो लोकेशन मैंने आपको बताई थी, जहां आपने स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन किया। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर डिपार्टमेंट जाओ, FET जाओ, ऑफिस ऑफ द डीन। अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, आपको बताता हूँ जो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बेसिक है, जैसे 10-12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, या फिर फोटोज फॉर्म्स, ये सब तो आपको रखना ही है जो बेसिक है। ले जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहां पे आपको सबमिट करना है और मार्क करना है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो नहीं है वो आपको खुद बोलेंगे कि ये करवा के लाओ, पहले आपको चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे आपके पास सपोज कैटर सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर यहाँ पर एंटी रैगिंग का नहीं है, या फिर ड्रॉप अगर आपने ले रखा है तो उसका नहीं है, तो आपको खुद बोलेंगे कि जाओ बनवाओ। वो जामिया में ही गेट नंबर 4 पर बन जाता है, जहाँ पे इंडियन बैंक है, उसके साइड में स्टेशनरी है, 10-15 मिनट लगते हैं, हाथों हाथ बन जाता है, 100-200 रुपए लगते हैं। वो वापस जितने भी हैं, जो भी एंटी रैगिंग या एफिडेविट, सारे वही बनते हैं, चाहे ड्रॉप ईयर का हो, आई थिंक यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनता है। सब बनवा के वापस से आपको जाना है, वापस जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जब आपका हो जाएगा तो आपको एक फीस की स्लिप देंगे कि अब आपको फीस देनी है। सेल्फ फाइनेंस की वैसे एक साल की 1.5 लाख फीस है, बट आपको एडमिशन के टाइम 84,000 समथिंग देना है, क्योंकि ये फिर 6 महीने बाद लेंगे। तो और रेगुलर की जो है, मतलब जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, जैसे कि सिविल है, तो सिविल में यहाँ पर जो फीस है आपकी 16,000 समथिंग, यानी अप्रॉक्स 17,000 अराउंड है, बट सिलेक्शन सिर्फ सिविल में हुआ है, बाकी अपग्रेडेशन हुआ है, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो जिनका अपग्रेड हुआ है सिविल से, उनको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा JMI से, मतलब जो आपका ऑलरेडी सिविल का सीट था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। सो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिनका सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में अपग्रेड हुआ है, तो आप वेट कर लो, जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा आपको रिफंड मिल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। सो आप फीस जमा कर देने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप फीस जमा कर दोगे तो आपको वापस घर नहीं जाना, फीस की स्लिप सबमिट करनी है ऑफिस ऑफ द डीन में, तब जाके आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब उसके बाद सबसे जरूरी चीज़, इतनी सारी लिस्ट आ क्यों रही है, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी स्पोर्ट इन्होंने दोबारा से निकाला था, बट उससे कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आई थिंक जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करवाया, जैसे अभी ECE में एक सीट वैकेंट थी तो अपग्रेडेशन हुआ। सो एक दो तीन स्टूडेंट्स जो होते हैं, अब मान लो यार 70-75 सीट्स हैं पर ब्रांच, इतनी सारी हैं ब्रांचेस, तो इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से 2-4-5-10 बच्चे जो हैं सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बहुत सारे रीज़न है। बाकी के तो यार 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं लेना, सो 1-2% केस एक्सेप्शनल होता है इस वजह से। सो यहाँ पर उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया होगा, जो आप जानते ही हो, तो उनको पसंद नहीं आया होगा। सो आपकी टोटली इसके अंदर मर्जी है, आकर देख सकते हो। बाकी कुछ भी पूछना है, बताना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसीलिए। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।